अमोनियम सल्फेट के बारे में, अगर आपका गेहूं पीला है, पीला दिखाई दे रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खेत में यूरिया की कमी है, आप यूरिया डालना चाहते हैं और आपने पहले भी डाल चुके, तो इस बार में आप यूरिया ना डाल करके अमोनियम सल्फेट अपने गेहूं में डाल सकते हैं। और अधिक पानी अगर आपके खेत में आपने दिया है तो जो अमोनियम सल्फेट है वह अधिक पानी देने से जो दिक्कत होती है, जो पीला गेहूं हो जाता है, छोटा गेहूं रह जाता है, उस समस्या को भी खत्म कर देता है और मिट्टी को फुलाने का काम भी करता है। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी होती है और सल्फर भी एक बहुत बढ़िया फंगीसाइड होता है जो कि बहुत प्रकार की फंगसों से लड़ने का काम करता है। तो अगर आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल अपने गेहूं में करते हैं तो आपको दो समस्याओं से निजात मिल जाएगा, एक तो पीलेपन की समस्या, कल्ले नहीं बनने की समस्या, फंगस की समस्या, और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि फंगस बहुत 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 ही ज्यादा है तो आप बहुत बढ़िया और अच्छे हैवी वाले फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। इसी के साथ जय राम जी की।